नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ न्यू चैनल में। दोस्तों, चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को चॉकलेट पसंद आती है और महिलाओं को तो खासकर चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब आप कोई भी चीज खाने से पहले सोचती है कि इसे खाया जाए या नहीं खाया जाए, तो उसमें आपकी पसंदीदा चॉकलेट भी आती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि गर्भवती महिला के लिए चॉकलेट खाना कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नटखट में मैं बताऊं तो चॉकलेट खाना गर्भावस्था के दौरान बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। गर्भवती के लिए और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, दोनों के लिए ही चॉकलेट बहुत फायदेमंद है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मापदंड हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको किस तरह की चॉकलेट खाने से फायदा होगा, आपको एक दिन में कितनी चॉकलेट खानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह की चॉकलेट आपको खानी है गर्भावस्था के दौरान। आपको गर्भावस्था के दौरान खानी है डार्क चॉकलेट, वो चॉकलेट जिनका रंग जो होता है डार्क होता है, बहुत गाढ़ा भूरा होता है। एक जो होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है और एक जो होती है डार्क चॉकलेट होती है, डार्क ब्राउन कलर की चॉकलेट होती है। तो आपको जो है डार्क ब्राउन चॉकलेट्स के फायदे मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, चॉकलेट में आयरन और मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है और जैसे हमें मालूम है कि आयरन यानी कि लोहा जिस भी खाने की वस्तु में होता है उससे हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल बढ़ता है। तो कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान HB मतलब कि हीमोग्लोबिन लेवल में कमी की शिकायत होती है, तो वो अगर चॉकलेट खाती हैं तो उससे उनको बहुत लाभ मिलता है। मैग्नीशियम जो है वो एक प्रकार का फैटी एसिड है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मतलब आपको खाने को पचाने में बहुत सहायता मिलती है। डार्क चॉकलेट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है और जो शुगर की मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो इससे क्या होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी कंट्रोल रहता है। बहुत ही आम समस्या दोस्तों, तनाव, स्ट्रेस, इरिटेशन, ये सब होता है महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान। तो डार्क चॉकलेट जब आप खाते हैं तो ब्लड प्रेशर तो आपका कंट्रोल होता ही है, ये तनाव का जो स्तर होता है उसको भी कम रखता है। इस समय काफी शारीरिक और मानसिक बदलाव आपके अंदर आते हैं जिससे आपके अंदर तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन अगर आप इस दौरान डार्क चॉकलेट खाती हैं तो आपको तनाव काफी कम होगा। दोस्तों, चॉकलेट के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि तनाव को कम करता है। चॉकलेट दोस्तों उन हार्मोन्स को कम करता है जो कि आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं या चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से दोस्तों आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनती है। इम्यूनिटी मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि आपको सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, इन सबसे लड़ने की जो ताकत मिलती है वो डार्क चॉकलेट के अंदर से आपको बहुत अच्छी मिलती है। डार्क चॉकलेट खाने से आपको इतनी आसानी से छोटी मोटी समस्याएं नहीं घिर पाती हैं। बच्चे के लिए और आपके हृदय के लिए, दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है चॉकलेट का सेवन, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लेवोनॉइड होता है और अगर आप इस फ्लेवोनॉइड को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं उसका खतरा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। डार्क चॉकलेट खाने से दोस्तों आपका जो खून का जो है शरीर के अंदर वो बहुत ही अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगता है। तो प्रायः गर्भवती को चक्कर आने जैसी समस्या होती है, कमजोरी, थकान और सूजन भी कभी कभी महिला के शरीर में आ जाती है, तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो खून का जो संचार हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण खराब हो चुका होता है। तो जब आप चॉकलेट खाएंगे तो इन सब समस्याओं में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आपका खून का जो संचार है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन दोस्तों, जहां मैंने आपको बताया कि इतने सारे फायदे हैं आपको चॉकलेट खाने से, चॉकलेट के अंदर पोटेशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, डाइट्री फाइबर है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रोकेगा, सोडियम है, विटामिन ए है, B6 है, B12 है, सी है, डी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में भरे हुए हैं और ये सारे वो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों जो माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। दोस्तों, फायदे तो बहुत है चॉकलेट खाने के, लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपको अब चॉकलेट खाने के लिए मैंने बोल दिया है तो ये नहीं कि आप डार्क चॉकलेट का एक बहुत बड़ा सा पैक मंगा लें और आप खूब सारी चॉकलेट खाते जाएं, क्योंकि आपको हर चीज प्रेगनेंसी के दौरान एक लिमिट में खानी है, उससे ज्यादा आपको नहीं खानी है। तो एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया था यदि आप गर्भावस्था के दौरान 30 ग्राम चॉकलेट एक दिन में सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, शिशु के लिए भी बहुत अच्छा है, उसके विकास के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें संयम बरतना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी आप चॉकलेट ना खाएं, उससे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आप इससे अधिक मात्रा में चॉकलेट का सेवन ना करें। 30 ग्राम के अंदर अंदर अगर आप चॉकलेट खाते हैं प्रतिदिन तो वो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, डार्क चॉकलेट और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक का बटन अवश्य प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। यदि आप मेरे चैनल लाइफ एंड यू में पहली बार आए हैं या किसी भी कारणवश आपने अभी तक मेरे चैनल लाइफ एंड यू को सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि प्रेगनेंसी के ऊपर एक डेडिकेटेड चैनल है, तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी कोई भी नई वीडियो का संदेश अपने आप पहुंचे और आप कोई भी प्रेगनेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी मिस ना करें। ख्याल रखिए दोस्तों अपना, मिलते हैं इसी तरह की कोई और अन्य वीडियो में। नमस्कार।